अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय का दोस्त आपका होस्ट अरबाज। दिस वीडियो इज रिलेटेड टू ई बाइक्स मीन इलेक्ट्रिक बाइक। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कि इलेक्ट्रिक बाइक पाकिस्तान में लॉन्च करवाई है उसके बारे में। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो। लेट विजिट टू द जोल्टा कंपनी ऑफिशियल साइट एंड सी अबाउट द इलेक्ट्रिक बाइक। दोस्तों एक कंपनी है पाकिस्तान में जोल्टा इलेक्ट्रिक्स डॉट कॉम। दोस्तों यहाँ पे आपको साइकिल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप आराम से विजिट कर सके। यहाँ पे आपको सामने एक हैवी बाइक नजर आई होगी तो उससे आप एक कंसेप्ट बना होगा, नहीं यार ये पाकिस्तान की वेबसाइट नहीं है। नहीं दोस्तों ये पाकिस्तान की वेबसाइट है, आपको नीचे भी कायदा पूरा विजिट कराता हूँ। दोस्तों ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक कंपनी है जिसने पाकिस्तान में बाइक लॉन्च की। यहाँ पे आपको इमरान खान साहब की तस्वीर भी नजर आ रही है उस जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक के साथ, ताकि आपको बाकायदा यकीन आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों जरा नीचे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकायदा आपको वो बाइक नजर आ रही है जो कि CD70 और EZ125 रोड पे चलती हैं, उनको इन्होंने बिल्कुल इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके ड्रॉबैक्स के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे, पहले भी आपको इसका पूरा ओवरव्यू देता हूँ। सबसे ज़्यादा बाइक जो चलती है CD70 चलती है, तो उस हवाले से इन्होंने इसको JE70D के नाम से इसको आगे इसको चलाया है जोल्टा इलेक्ट्रिक में। दोस्तों उसकी बात करें आगे, इस पर चलते हैं JE70D पे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें क्या है, डिस्टेंस कवर इन इको मोड, यानी कि इसको इको फ्रेंडली मोड के हवाले से बनाया गया ताकि पोल्यूशन ना फैले, कि जितने भी पाकिस्तान में बड़ी बड़ी सिटीज है लाहौर कराची उनमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। दोस्तों उस हवाले से देखें यहाँ पे 80 किलोमीटर कवर करती है ये इको मोड में। अगर आपने फास्ट मोड में जाना है यानी कि आप 60 की स्पीड से जा रहे हैं तो दोस्तों ये 60 किलोमीटर कवर करेगी। इसकी टॉप स्पीड है 60 किलोमीटर, ठीक है। आम 70 की टॉप स्पीड है 84 किलोमीटर, ठीक है। दोस्तों ये अगर 60 तक जाती तो 60 किलोमीटर कवर करेगी, अगर आप उसको 40-50 पे चलाएंगे तो ये 80 किलोमीटर कवर करेगी। लास्ट बात है कोई 80 किलोमीटर एक दिन में नहीं चलाता बाइक को। इसकी मोटर पावर है 1000 वाट, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक बाइक है। अब नीचे यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि चढ़ाई में इसकी स्पीड होगी 20 किलोमीटर, ओवरनाइट यानी पूरी रात आपको चार्जिंग में लगाने पड़ेगी ताकि आप सुबह इसको इस्तेमाल कर सके। इसकी डिफरेंट दोस्तों तस्वीरें हैं, ठीक है, इसमें आप इसको पूरी नाइट, ये भी है कि अगर एक रात चार्जिंग में लगेगी तो आप उसको 2 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 80 किलोमीटर लाजमी बात है कोई भी नहीं चलाता। अगली बात करें तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उन्होंने नीचे दी हुई है जिसमें उन्होंने इसके यूनिट्स बताए हुए। बैटरी पावर ड्राई बैटरी है, कोई आपको इसमें दोस्तों पानी नहीं डालना पड़ेगा। अगली बात दोस्तों इसमें क्या है, इसके ड्रॉबैक्स है, प्राइस मैं आपको बताता हूँ। 82,000 इसकी प्राइस है, अभी आपको दिखा भी देते हैं कहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले ड्रॉबैक्स की बात करें दोस्तों, पाकिस्तान में जो मसला है कि आजकल बारिश हो रही है, मूनसून का सीजन चल रहा है, उस हवाले से देखें दोस्तों पाकिस्तान में बहुत जितनी भी बड़ी सिटीज हैं पानी लाजमी खड़ा होता है। दोस्तों इलेक्ट्रिक बाइक को क्या होगा, जब ये उसमें जाएगी फौरन बंद हो जाएगी। आम 70 या 125 इस तरह भी जाके बंद हो जाती है, गाड़ियाँ बंद हो जाती है, तो ये तो इलेक्ट्रिक बाइक है, तो उस हवाले से भी इसको लॉन्च उस तरह मार्केट में आगे लोग खरीद रहे हैं, पर इसमें ये डिफेक्ट आ रहा है, तो उसमें दोस्तों इसमें बेहतरी करी जा रही है ताकि इधर जो इसकी ये पूरी सीलिंग है इसको प्रोटेक्टेड इस तरह बनाया जाए कि इसमें पानी का एक खतरा भी ना जाए, और अगर जाए तो बाइक बंद ना हो, इस चीज़ को देखा जा रहा है। और दूसरी बात दोस्तों ये है क्योंकि मैकेनिक्स आम 70 और 125 इस तरह ये बाइक को वो करते हैं तो उनको इस चीज़ की आदत नहीं है। बाकायदा इसके बाकायदा इस तरह के सेंटर्स खोले जाएंगे जहाँ पे इनकी बाकायदा पूरी ट्यूनिंग होगी, उनके अपने बंदे करेंगे या फिर नए बंदों को सिखाया जाएगा ताकि उनको इस बारे में पता चले। अब दोस्तों प्राइस की बात करें तो पार्क फील्ड्स पर आ जाते हैं जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी साइट है कि गाड़ियों और बाइकों के बारे में वो बताती है इन्फॉर्मेशन, तो उनकी साइट पर आपको यहाँ पे इन्होंने दी हुई भी है 82,500 जो हम बात कर रहे थे JE70 की। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जिसके बाइक के बारे में बात कर रहे थे उसकी प्राइस है 82,500, तो बहुत सही है क्योंकि आम 70 की प्राइस भी इतनी बढ़ती है 78,000, 4-5 हज़ार का फर्क है, और थोड़ा टैक्स ऊपर बढ़ जाता है तो वो 86-87 पे चल जाती है। तो दोस्तों अगर आज की मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।